बिहार सरकार चाहे जितनी मुस्तैदी दिखा रही हो लेकिन इलाज को लेकर कई शहरों में संकट है। दरअसल दूसरी बीमारी के पीड़ितों को भी इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से कई डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर चुके हैं। ऐसे में मरीज बेबस हैं। बिगड़ते हालात में जब जरूरत इलाज की है उस वक्त डॉक्टर भी अघोषित लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कहीं क्लिनिक पर ताला जड़ा है तो नर्सिंग होम भी बंद पड़े हैं, जांच घरों का भी शटर डाउन है, केमिस्ट की दुकानें भी नहीं खुल रही। ये हाल बिहार के किसी एक शहर या कस्बे का नहीं, कई जगहों पर पीड़ित परेशान हैं। कोरोना ने कहर बरपाया तो लोग लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा का पालन करने लगे, लेकिन इस दौरान जो बीमार पड़े वो कहाँ जाएं? बिहार के दूर दराज शहरों का हाल तो छोड़ दीजिए, पटना में जिस इलाके में सबसे ज्यादा क्लिनिक है वहाँ सन्नाटा पसरा है। कोरोना की वजह से प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बंद रखा है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि कोरोना से बचाव का कोई साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर कोरोना का कोई मरीज उनके पास पहुंचता है तो उसका बचाव कैसे करेंगे, अपना बचाव। अब आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों की चार तस्वीरें। ये तस्वीरें बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की गवाही दे रही हैं। सहरसा, गया, समस्तीपुर और मधेपुरा में कई डॉक्टरों ने छुट्टी कर ली है। कोरोना के खतरे के बीच सब क्लिनिक बंद कर चुके हैं। संकट की घड़ी में जो बीमार राहत के लिए डॉक्टरों तक पहुंच रहा है वो मायूस होकर घर लौट रहे हैं। परेशान लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो किसके पास अपने इलाज के लिए जाएं। हमें इलाज कराने में बहुत परेशानी हो रहा है कि सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था देना चाहिए कि आने जाने में तकलीफ हो रहा है हम लोग का। सरकार इस तरह का हम लोगों को निर्देश दिए हुए हैं, सीएस सिविल सर्जन को भी निर्देश है कि कोई भी प्राइवेट क्लिनिक को बंद करने का कोई निर्देश नहीं है, उनको खोला जा सकता है। और सीएस इस बिंदु पे आपको व्यापक रूप से बता सकते हैं क्या उसके पीछे सिनेरियो है, और बाकी अगर इस तरह का है तो हम लोग उनसे विमर्श करते हैं। कैसे सुधरे हालात, कैसे होगा मरीजों का इलाज? कोरोना से बचने बचाने की पहल में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनकी आफत बढ़ती जा रही है। हालात बिगड़ता देख खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सामने आया है। आईएमए बिहार ने मरीजों के हित में डॉक्टरों से अपील की है कि वो इलाज बंद ना करें। सब उन्होंने कहा है प्रेस के माध्यम से कि हर लोग जो पेशेंट आवे उसको देख लेना है, डिस्टेंस बना के देखना है, और सस्पेक्टेड पेशेंट को तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में, जो बिहार के पटना में, जो अभी पटना मेडिकल कॉलेज, नाना मेडिकल कॉलेज, अगम कुआं रेफर कर। बिहार सरकार दावा कर रही है कि सभी सरकारी और बड़े निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मेरी जानकारी में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर सेवाएं दी जा रही हैं। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि यदि किसी को किसी अस्पताल के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो इलाज कराने गया और उसको सेवा नहीं मिला है तो वो हमें बताए, फिर हम आवश्यक कदम उठाएंगे। जिन चिकित्सकों को, जो चिकित्सा कर रहे हैं, इस बीमारी से जुड़े हुए चीजों को देख रहे हैं, उन सारे लोगों को सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। मैडम सिर्फ मुहर मरा रहा, चेकअप नहीं होगा। पिता का नाम? अरे यहाँ पे चेक नहीं कुछ हो रहा है। सरकार भले ही मुस्तैदी का दावा कर रही हो लेकिन गया में स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की लापरवाही भी सामने आ रही है। बाहर से बिहार पहुंचे लोगों की जांच में लापरवाही बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोरोना का संकट गहराते देर नहीं लगेगी। मधेपुरा से धीरज सिंह, सासाराम से मनोज सिंह, गया से पंकज कुमार, समस्तीपुर से जहांगीर आलम और दरभंगा से प्रहलाद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक।